हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम्स फॉर ऑल इन वन। यहाँ पे हम शुरू कर चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़। मैं सेट वन करवा चुकी हूँ, ये है सेट टू बायोलॉजी का। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी देखो और इतना हो सके शेयर करो। तो हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ। यहाँ पे जूलॉजी की बात हुई है, तो आप डायग्राम देख के समझ गए हो कि जूलॉजी किससे डील करता है। पहली बात तो जूलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पे हम स्टडी करते हैं लिविंग और एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, हैबिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन है इट्स सी, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, ठीक है, ध्यान में रखना। और अब जूलॉजी की बात आई है, तो जूलॉजी के फादर कौन है, इट्स एरिस्टोटल। जूलॉजी के भी हैं और ये बायोलॉजी के भी फादर हैं, तो आप ध्यान रखना, एरिस्टोटल जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के फादर हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेरियो फ्लावर इज़ नोन एज, तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है सामने। फ्रेनोलॉजी, इसके बारे में बोलूँ तो स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल होता है फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी की बात करूँ तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स, इट्स ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड एंथोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, यहाँ पे हम ग्रास के बारे में पढ़ते हैं, ओके, स्टडी ऑफ ग्रास। और आता है पेरेनोलॉजी, यहाँ पे हम स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के बारे में जानते हैं, एंड अदर स्पोर्ट्स। तो ये मैंने आपको चारों बता दिया, तो चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट इज़ हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स क्या है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोफोनिक्स की बात हुई है, मतलब ग्रोइंग प्लांट इन अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन। ये आप देख रहे हो डायग्राम में, ये दो हमने पॉट रखे हैं जिसमें प्लांट है, ठीक है, और वो एक वाटर बेस्ड सॉल्यूशन में हमने डाल दिया है जो कि न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएशन है जो कि प्लांट्स के लिए सब हेल्पफुल रहते हैं, और इसी के थ्रू प्लांट ग्रो होता है विदाउट सॉइल। यहाँ पे सॉइल का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो हमने वाटर में मिक्स कर दिए हैं। तो इसके थ्रू ये सब रूट्स आप देख रहे हो, ये पानी में है, तैर रही हैं, और इसी के थ्रू सारा न्यूट्रिशन जाता है प्लांट्स को और प्लांट ग्रो अप हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है इट्स ऑप्शन ए, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, यहाँ पे सॉइल का कोई काम नहीं है, सो इट्स ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिंग ऑफ ऑनियन कॉजेज टीयर्स एज ऑनियन रिलीजेस। थोड़ा आप यहाँ पे आप जब प्याज काटते हो तो आपकी आंखों से आंसू होने लगते हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है हम जानते हैं। डायग्राम थोड़ा ध्यान दो, ये नेसोलैक्रिमल डक्ट है, आप कुछ भी काटोगे या कुछ भी आपके पास रहेगा तो पहले फ्रेग्रेंस नोज में जाएगी, उसके बाद ये जो है लैक्रिमल सैक, ये जो देख रहे हो आप, ये लैक्रिमल सैक है, यहाँ से होते हुए फिर वो आंखों तक जाएगी। ये लैक्रिमल लेक जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे लैक्रिमल लेक है, ठीक है, यहाँ पे जब डिटेक्ट करेगी फ्रेग्रेंस यहाँ पे जाकर, तो फिर ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना, ये एक्टिव हो जाते हैं और इन्हीं की वजह से फिर आपके आंसू एक्सक्रीट होने लगेंगे लैक्रिमल डक्ट के थ्रू। सिंपल सी बात ये है कि जब भी आप प्याज काटोगे सबसे पहले आपकी फ्रेग्रेंस जाएगी यहाँ पे, जो कि नेसोलैक्रिमल डक्ट उस यहाँ तक लेके जाएगी, ऊपर लैक्रिमल सैक और ऊपर लेके जाएगा, फिर ये जो है आपका लैक्रिमल लेक तक आ जाएगा, और फिर जैसे लैक्रिमल लेक तक आएगा तो यहाँ ऊपर तरफ ये जो आप देख रहे हो ये लैक्रिमल ग्लैंड है आपकी। तो जैसे लैक्रिमल लेक तक आता है ना फ्रेग्रेंस प्याज की, तो लैक्रिमल ग्लैंड ऑटोमेटिकली उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जो आपके आंसू रहते हैं ना एक्सक्रीटरी लैक्रिमल डक्ट के थ्रू, तो यहाँ से आंसू गिरने लगते हैं, और ये सब कुछ सल्फेनिक एसिड की वजह से होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, सल्फेनिक एसिड जो होता है वो उससे हमारी आंखों में जो होता है वो आंसू आने लगते हैं, तो इसी की वजह से सिंपल प्रोसेस ये रहती है, सल्फेनिक एसिड की वजह से आपकी आंखों में आंसू गिरने लगेंगे। और ये सब कुछ किससे होता है, नोज़ के थ्रू, यहाँ से वो तो यहाँ जाएगा, और जैसे ही ये लैक्रिमल लेक पे, जैसे ही सल्फेनिक एसिड यहाँ पे आएगा आंखों से आंसू आने लगेंगे, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी इसी वजह से, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो बाकी की ऑप्शन, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एज अ पैराफिन यूज़ होता है डिटर्जेंट बनाने में,
ठीक है, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है ये। उसके बाद कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी यूज़ होता है, ड्रग्स बनाने के लिए। अमीनो एसिड यहाँ पर है ऑप्शन सी जो है, आप देख रहे हो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, प्रोटीन का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कुछ नहीं है, प्रोटीन जो आपके टिश्यूज़ बनते हैं और ऑर्गन्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी में, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, ये दोनों चीज़ें प्रोटीन बनाता है अमीनो एसिड। ठीक है, अब सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नेक्स्ट टू वाटर कौन सा है हमारे ह्यूमन बॉडी में, इट्स प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन सेकेंड अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में वाटर के बाद। अगर वाटर आपका 80% है तो अमीनो एसिड आपका ह्यूमन बॉडी में 20% रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूँ, अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, एक एसेंशियल होता है, ओह सॉरी, एक एसेंशियल होता है, ठीक है, एसेंशियल, और एक नॉन एसेंशियल होता है, नॉन एसेंशियल। अब जो एसेंशियल है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता, अब देखो ज़रूरत है तो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा, और जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब जब ये नॉन एसेंशियल वाला जो है ये सिंथेसाइज नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, तो हम इसे फुलफ़िल करते हैं वेजिटेबल्स के थ्रू, या फिर ऐसे फ्रूट्स हम खाते हैं जिनमें प्रोटीन हो, है ना, तो ऐसे हम इसको फुलफ़िल करते हैं अपनी बॉडी में। तो इसका आंसर है बी, सल्फेनिक एसिड। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, इसका आंसर है बी, आंसर बी है सल्फर एसिड, सॉरी सल्फर कंपाउंड। गार्लिक इज मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक कंपाउंड जिसे हम एलाइल मिथाइल सल्फाइड भी बोलते हैं, मैं लिख दे रही हूँ, इट्स एलाइल मिथाइल एंड सल्फाइड। ठीक है, ये हम इसे बोलते हैं, यही पंजेंट स्मेल जो होती है वो गार्लिक की इसी की वजह से आती है। और ये जो है सल्फर एसिड, इसे हम ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीज़ के लिए भी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को तो आप ध्यान रखना, और इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने, आप देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और एक बार और मैं आपको बता दूँ, एसिटिक एसिड के बारे में आप जान लो थोड़ा सा। एसिटिक एसिड जो है वो मेनली हमें विनेगर में मिलता है, ठीक है, एप्पल्स में मिलेगा, ग्रेप्स में मिलेगा, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी सब में मिलता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड जो है एक फर्मेंटेशन प्रोसेस रहती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। टर्मरिक इज़ ऑप्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स, तो यहाँ पे बात आ रही है टर्मरिक की, तो देखो टर्मरिक इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, इसका ऑप्शन है बी, मॉडिफाइड स्टेम जो होती है इट्स राइजोम, राइट जोम, ये मॉडिफाइड स्टेम है टर्मरिक की। ठीक है, अब हम बात करें बॉटनिकल नेम ऑफ टर्मरिक का, वो क्या है, इट्स करक्यूमा लोंगा, करक्यूमा लोंगा, ठीक है, ये बॉटनिकल नेम है। ठीक है, और ये बेसिकली नेटिव है, टर्मरिक नेटिव है टू साउथर्न एशिया, ये वहाँ से ये चीज़ आई हुई है, और इसे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए पड़ता है, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए पड़ता है इसको, मैं एक मिनट, हाँ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए पड़ता है इसको, मतलब 29.8 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है, और ये इंडिया, श्रीलंका आपका, फिजी हुआ, क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे 29.8 और इसके आसपास का टेम्परेचर रहता है वहाँ का। तो ये आप देख सकते हो, ये टर्मरिक है, और इसके ऊपर ऐसा बाहर ये जो रहती है इतनी चीज़, ये अंडरग्राउंड रहता है पूरा। ठीक है, बस ऊपर इसका ये प्लांट दिखता हुआ है। ठीक है, तो ये इंटरनोड है, स्केल लीफ है, बर्ड है, इसकी नोड है, सब कुछ अंडरग्राउंड रहता है, बस ऊपर इसका ये जो आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बस ये सब बाहर रहेगा। तो इसका ऑप्शन था बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, अब यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन है बी, इट्स पिचर प्लांट, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये पिचर प्लांट है। तो पिचर प्लांट जो होता है ये कार्निवोरस प्लांट हो सकता है, या फिर आप इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोल सकते हो। कार्निवोरस इसलिए फ्लैशिटिंग है, ठीक है, इंसेक्ट खा रहा है तो ऑब्वियसली फ्लैशिटिंग तो हो गई, और इंसेक्टिवोरस क्यों, क्योंकि इंसेक्ट खाता है, ठीक है, इंसेक्ट्स। अब कार्निवोरस प्लांट आ प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, कार्निवोरस प्लांट ग्रो इन अ सॉयल दैट हैज़ लेस नाइट्रोजन। अब ये कहाँ पे उगता है, जहाँ पे नाइट्रोजन अमाउंट बहुत ही कम है, ठीक है, नाइट्रोजन अमाउंट जो कि बहुत ही कम है, ये ऐसे जगहों पे ग्रो अप होता है। ठीक है, और ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट हैव नाइट्रोजन, आप जानते हो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें नाइट्रोजन होता ही होता है। तो कार्निवोरस प्लांट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स दे ईट,
कि जो भी इंसेक्ट खाएगा, ठीक है, जो भी इंसेक्ट खाएगा उसमें नाइट्रोजन होगा, ऑब्वियसली होगा, और ये ग्रो कहाँ हो रहा है, जहाँ की नाइट्रोजन कम है बहुत, तो ये जो भी खाएगा उससे ये नाइट्रोजन गेन करेगा, ठीक है। और आप ये जो देख रहे हो, ये इसका स्ट्रक्चर, ये जो चीज़ है, यहाँ पे एक सैक होता है, यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है बहुत सारा, और ये जो आप देख रहे हो ये फ्लैप है, ये ढक्कन टाइप का, ये जैसे यहाँ पे इंसेक्ट बैठेगा ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर ये अंदर इसका वाटर भर जाता है पूरे बैग में, और वो जो एनिमल होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और देन ये नाइट्रोजन उससे गेन कर लेता है ना। तो ये बात है। अब इसका ऑप्शन बी है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्शन बी पिचर प्लांट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, जो प्लांट्स पत्थर पे उग रहे हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? इट्स ऑप्शन डी लिथोफाइट्स, ठीक है, हम इन्हें लिथोफाइट्स बोलते हैं। अब आपके सामने तीन ऑप्शंस और हैं। एपीफाइट्स क्या हैं? एयर प्लांट होते हैं, एयर प्लांट, एयर प्लांट, ये दूसरे प्लांट पे ग्रो हो जाते हैं जस्ट फॉर ओनली फिजिकल सपोर्ट, सिर्फ फिजिकल सपोर्ट के लिए, पैरासाइटिक नहीं होते हैं, पैरासाइटिक नहीं होते हैं, मतलब अपने फूड के लिए किसी और प्लांट पे फीड नहीं रहते, ये खाना वाना तो खुद कर लेते हैं, लेकिन बस फिजिकल सपोर्ट के लिए ये दूसरे प्लांट पे ग्रो अप हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें एयर प्लांट बोला जाता है, लाइक ऑर्चिड्स। एपीफाइट्स का एग्जांपल है ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स, ठीक है। अब आपके सामने है हेलोफाइट्स। तो देखो, हेलोफाइट्स की बात करूँ मैं तो हेलोफाइट्स ग्रो इन सॉइल और वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी, जहाँ पे सलाइन वाटर रहेगा बहुत ज़्यादा, या सैलिनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी वहाँ की, कोई भी सॉइल हो जाए, सॉइल या वाटर हो, ये वाटर पे भी ग्रो अप कर जाते हैं, सॉइल पे भी ग्रो अप कर जाते हैं, लेकिन बस सलाइन होना चाहिए, ज़्यादा नमक वाला पानी होना चाहिए, सलाइन सॉइल होनी चाहिए, तो वहाँ पे ही ग्रो अप हो जाएंगे। जैसे आप मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जानते हो, है ना, सुंदरबन के आसपास, वहीं सुंदरबन में ही है मैंग्रोव फॉरेस्ट, वेस्ट बंगाल में उस तरफ, तो वो आप देखना वहाँ पे जो रूट्स हैं वो पूरे वाइट कलर की हो चुकी हैं, पूरे डॉट डॉट्स हैं उसके रूट्स पे, और पूरे वाइट हो चुकी है, क्योंकि वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, बहुत मार्शी एरिया होता है, वो मार्शी बहुत दलदली एरिया होता है, ठीक है, और वहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई अदर पेड़ नहीं ग्रो अप हो पाएगा, कोई अदर प्लांट ग्रो अप नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हेलोफाइट्स नहीं होते। हेलोफाइट्स बस वही प्लांट होते हैं जो एक सलाइन एनवायरनमेंट में ग्रो अप कर जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स की। ज़ीरोफाइट्स की बात करें हम, ज़ीरोफाइट्स की, तो ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बहुत ही कम पानी में सर्वाइव कर जाएंगे, लाइक डेजर्ट एरिया में या कोई स्नो कवर्ड एरिया है वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। पाइनएप्पल हुआ, आपका कैक्टस हुआ, है ना, तो ये सारे, क्योंकि ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, इनमें आप देखोगे ऐसे कांटे टाइप्स निकले रहते हैं पाइनएप्पल में, ऊपर की तरफ आप देखना, कैक्टस हुआ उसमें तो पूरा वो पूरे ही स्पाइक्स निकले रहते हैं, है ना, पूरे प्लांट में, तो ये होते ही इस वजह से हैं ताकि ये वाटर का एवोपरेशन बहुत ही कम कर दें, तो ये प्लांट बहुत ही कम वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं, तो उन्हें ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। यहाँ ऐसी जगह पे ये रहते हैं, लाइक बहुत ही डेजर्ट टाइप एरिया हो, स्नो कवर्ड एरिया हो, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि बहुत ही लेस वाटर एवोपरेट हो, तो ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बहुत ही कम वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्ट, यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो इट्स ऑप्शन बी स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। आप कैसे देखो, स्पाइडर बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड एरकनिड्स, एक वर्ड है एरकनिड्स, ये इस फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, और ये जो इनका जो बॉडी सेगमेंट रहता है, क्रिएचर्स विद टू बॉडी सेगमेंट, इनका टू बॉडी सेगमेंट होता है, और एट लेग्स होते हैं, और कोई भी इनकी विंग्स नहीं होती, एट लेग्स होते हैं और कोई भी इनकी विंग्स नहीं होती, ठीक है, यही ये एक करैक्टरिस्टिक नहीं है एक इंसेक्ट का, ठीक है। इंसेक्ट की बात करूँ, जो रेस्ट तीनों देख रहे हो, बैड बग, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनमें सिक्स लेग होते हैं, ठीक है, वाइल स्पाइडर हैव एट लेग्स, ठीक है। उसके बाद स्पाइडर इज नॉट इंसेक्ट, क्योंकि इसमें कोई विंग्स वगैरह नहीं है, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बैड बग, इन सब में आप विंग्स देखोगे, बट स्पाइडर में विंग्स नहीं होती और इसके लेग्स एट होते हैं, ये करैक्टरिस्टिक नहीं है इंसेक्ट का, तो इसका जो आंसर है इट्स बी, है ना, क्योंकि इट्स नॉट अ इंसेक्ट, स्पाइडर इज नॉट अ इंसेक्ट। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है द स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड, ये स्नेक है आप देख सकते हो, तो स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड सेल पेनेटोलॉजी, ये ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ। अब बाकी आप जो तीन देख रहे हो यहाँ पे, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स से हम रिलेट करते हैं, किससे, स्टडी ऑफ बर्ड्स,
यहाँ पे हम बर्ड्स की स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हर्पेटोलॉजी की बात करें तो इट्स स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। हर्पेटोलॉजी में हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है इट्स इचियोलॉजी। इचियोलॉजी यहाँ पे हम स्टडी ऑफ फिश, मछली, स्टडी ऑफ फिश की बात करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा लेक्चर जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको 10 10 हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चंस, तो मैंने आपको आज 10 क्वेश्चंस करवाए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस और लेकर आएंगे। तो आप प्लीज़ बताना आपको वीडियो कैसा लगा। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, और जितना हो सके आप उन लोगों तक पहुँचाओ जिनको इन वीडियो की वाकई में ज़रूरत है। ये मेरी जीमेल आईडी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, एग्जाम्स फॉल इन वन, आप प्लीज़ सर्च पे डालना, आपको मेरी इंस्टाग्राम पर पेज मिल जाएगा। और यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।